देखिए पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है और मोदी साहब ने मन बना लिया है कि मैंने पंजाब को कैसे सीधा करना है। पंजाब के लोग चाहे वह किसान थे, दुकानदार थे, खेत मजदूर थे, उन्होंने जाकर जो दिल्ली में एजिटेशन की और जो उन्होंने पीसफुल एजिटेशन, मेरे ख्याल इंडिया की वर्ल्ड की सबसे पीसफुल एजिटेशन थी जिसमें एक बार भी कोई ऐसा इंसीडेंट या वायलेशन नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि मोदी ने मन बना लिया है कि पंजाब नूं सीधा किवें करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हां दा कहना है कि किसानां दा संघर्ष पूरे विश्व दे विच सब तो शांतमई संघर्ष सी। उन्हां यह भी कहा कि मोदी साहब 10 किलोमीटर भी जाते हैं तो बिना चौपर ते नहीं जाते। प्रधानमंत्री मोदी के काफले के नेड़े किसान ने सगो झंडा लैके भाजपा के वर्कर खड़े सी। उन्होंने एवें किसानों नूं बदनाम किया है। खास गल यह है कि उन्होंने फिरोजपुर रैली में बहुत घट बंदे सन जिस करके उन्होंने वापस जाना पिया। केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब नूं बदनाम कर रही है। देखिए पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है और मोदी साहब ने मन बना लिया है कि मैंने पंजाब को कैसे सीधा करना है। पंजाब के लोग चाहे वह किसान थे, दुकानदार थे, खेत मजदूर थे, उन्होंने जाकर जो दिल्ली में एजिटेशन की और जो उन्होंने पीसफुल एजिटेशन, मेरे ख्याल इंडिया की वर्ल्ड की सबसे पीसफुल एजिटेशन थी जिसमें एक बार भी कोई ऐसा इंसिडेंट या वायलेशन नहीं हुई। अंग्रेज़ों के टाइम में हुई जब पगड़ी संभाल जट्टा ये मूवमेंट चली थी उस टाइम भी अंग्रेज़ों ने घुटने टेके और इस टाइम भी। देखिए जिस देश का राजा अहंकारी होता है वो कभी अपने आप को ये नहीं समझता कि मेरी प्रजा मेरे सामने मुर्दाबाद भी कर जाए और मेरे को उनकी बात माननी पड़े। वो मोदी साहब को जहां तकलीफ़ हो रही थी, जहां पंजाब में आए, आपका पूरा मीडिया फिरोजपुर में इकट्ठा था, आपने देखा जो 70,000 चेयर्स लगी थी उनमें क्या बैठा था, क्या उनमें लोग थे। जब मैं पूरा बोल रहा हूँ फिर बाद में मेरे से क्वेश्चन पूछ लें। हाँ एक बात जरूर है कि 180 किलोमीटर वहाँ प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल आज तक मोदी साहब 10 किलोमीटर भी बिना चौपर के नहीं गए। मेरे को इसके पीछे क्या मोटिव है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया उस मीटिंग में, कभी होम मिनिस्टर मीटिंग में नहीं गया, कहीं दिखा देंगे तो मैं रिज़ाइन भी करूंगा और खड़े होकर मोदी से माफ़ी भी मांगूंगा और सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हैं उनको कहूंगा कि ऑफिसर्स की के पर्चा करने की बजाय मेरे होम मिनिस्टर होते कि अगर मेरे साथ कोई उनकी बातचीत हुई है, कोई IBI है, कोई उनकी जो SPGI है, NIA आया है, कोई जे ऑफिसर्स लेवल का पर इनका काम होता है, कोई पॉलिटिकली मिनिस्टर के साथ नहीं होता। दूसरी बात अगर प्रधान, मैं उस दिन भी मैंने कहा, आज भी मैं कहता हूँ कि SPG ने प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनट वहाँ किस काम के लिए खड़ा रखा। क्यों अगर ये कहते हैं कि 20 किलोमीटर पर पाकिस्तान है तो प्राइम मिनिस्टर क्यों 600 मीटर पर वहाँ जाना चाहते थे? क्या इसके पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं, पंजाब को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवादी हैं? इनके पास तो कोई गया ही नहीं, पता नहीं कहाँ खड़े थे किसान, खड़े भी हैं या नहीं तो वहाँ तो इनके आपके माध्यम से हमें पता चला, आपके चैनल चला रहे हैं कि मोदी जिंदाबाद, BJP के झंडे थे, कहाँ वहाँ किसान का झंडा था, कहाँ किसी ने कहा मोदी मुर्दाबाद है? तो यार जब देखिए पंजाब को, बात सुन लीजिए पहले, पंजाब को बदनाम करने की बात है, ठीक है हमारे SC हैं, चीफ मिनिस्टर SC है पर वो कमज़ोर नहीं है, हम उसके साथ हैं, पूरा पंजाब उसके साथ है। बदल जब मुगल, जब मुगल मुगलों वाली बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल हम बात सुन लीजिए, अगर वहाँ रेड हुए हैं पंजाबी जो है कभी किसी के नीचे नहीं लगते, हम मोदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। ईडी की गल करिए, तुसी जिहड़ी गल कह रहे हो CM नूं फसाउण दी गल कीती जा रही है, मान लैंदे आ पर जिहड़ी 10 करोड़ दी, मैं कहा जी मेरी एक गल तलोचन जी सुनो, 10 जिहड़े 10 करोड़ फड़िया किन्ने 26 आदमियों के उत्ते FIR आ, तुसी नाल सीगे जदों तुहानूं लै के गए कि 10 करोड़ इहदे फड़िया,
ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਈਡੀ ਕਰੇ ਰੇਡ ਤੇ ਮੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।